पैसे वाले हैं, लेकिन जब सूरज डूब जा रहा है किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, किसी के घर में चराग नहीं जल रहा है। क्यों? रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन मिट्टी तेल नहीं मिल रही है, लोग चराग नहीं जला रहे हैं। लेकिन मेरा मैंने देखा गुज़िश्ता रात कल की रात तुम्हारे घर में रात भर चराग चलता रहा, तो नबी की माँ आमिना खातून बयान करती है मेरे घर में चराग नहीं चल रहा है। मेरे आका है सीरत गौसे आज़म, एक तरफ रसूल पाक की सीरत, हर वली किसी न किसी नबी के कदम में होता है। सुन लीजिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा, सरकार गौसे पाक के करामत को लोग बहुत बयान करते हैं, बहुत सारी किताबों में है, गौस पाक फरमाते हैं, सुन लो जिस तरह मेरे आका के मेरे नबी के मोजज़ात बेशुमार है, इसी तरह गौसे आज़म के करामत भी बेशुमार है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हर गुलाम कहता है बड़े पीर, बड़े पीर ये गौसे पाक है। गौस पाक जब पैदा हुए तो बगदाद में जितने घरों में बच्चे पैदा हुए सबके घर में लड़का पैदा हुआ, और उस भी जो भी लड़का पैदा हुआ अल्लाह उसको वली बना दिया। जोर से कह दो ये गौस पाक है। नबी की माँ आमिना खातून, उनकी जो 4 साल तक परवरिश की, उनका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया जब मदीना आई हिजरत के बाद, सहाबा घेर घेरे कहने लगे हलीमा नबी का मोजज़ा बयान करो, तो हलीमा कहती है, सुनिए मोहब्बत के साथ सुनिएगा, हलीमा कहती है सुनो मेरे घर में जब मोहम्मद तशरीफ लाए, हलीमा कहती है आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, एक साल में जितना बड़ा होते थे मोहम्मद एक महीना में उतना बड़ा हो जाया। नबी की माँ आमिना खातून बयान करती है, अब गौसे पाक का अजमत मर्तबा सुनिए। नबी की माँ आमिना खातून, नबी की दूध माँ हजरत हलीमा सादिया बयान करती है, मैं मोहम्मद को अपने गांव में लेकर आई, जैसे लेकर पैर रखती हूँ खुशबू फैल जाती है, ऐसी खुशबू गांव के लोग कभी सूंघे नहीं थे, महसूस नहीं किए थे, सूंघते सूंघते मेरे आदमी में जमा हो गए। हलीमा सादिया सरकार को गोद में लेकर के बैठी थी, गौर से सुनिएगा ईमान ताजा हो जाएगा। हलीमा सादिया सरकार को गोद में लेकर बैठी थी, हलीमा सादिया के गांव की औरतें आ गई, बच्चे आ गए, नौजवान आ गए, बूढ़े आ गए, सब सारी फिक्र रहे थे, ये हलीमा कितना खूबसूरत बेटा है, कह दो सुभान अल्लाह। ए हलीमा कितना खुशबूदार बच्चा है, ए हलीमा कितना मुबारक बच्चा है, सब सारी बेकर नहीं है। कुछ देर के बाद हलीमा सादिया सरकार को लेकर घर के अंदर चली जाती है, जब घर के अंदर नहीं कुछ लम्हे के बाद हलीमा सादिया की गांव के सबसे गरीब औरत दौड़ी दौड़ी आती है, कहने लगी ए हलीमा ए हलीमा मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक मुबारक बच्चा आया है, ए हलीमा मेरे भी घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, 4 साल हो गया है जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, बिस्तर से नहीं उठा है, बीमार ही बीमार है, मेरी पूरी दौलत खर्च हो गई है, मैंने डॉक्टरों के पीछे मेरी 4 सारी जायदाद खर्च हो गई है। ए हलीमा डॉक्टर हर हुक्मा कहते हैं तेरा बच्चा ना इलाज है, किसी ने मुझसे कहा है जा हलीमा के घर में एक मुबारक बच्चा आया है, ए हलीमा उस मुबारक बच्चे का सदका दे दो। हलीमा ने कहा रुक जा, घर के अंदर गई एक गिलास पानी लेकर आती है, कहती है जा अपने बीमार बच्चे को पिला देना, वो गिलास के पानी को संभाल कर लाती है, 4 साल से बीमार बच्चा था, हलीमा के गिलास का चंद कतरा पानी पीता है, बिस्तर से खड़ा हो जाता है, अब गरीब औरत पूरे खुश हो जाती है, पूरे गांव में घर-घर में जाकर के दस्तक देती है, आवाज लगाती है और सबसे कहती है सुनो मेरा 4 साल का बीमार बच्चा था, हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया, हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया। अब पूरे गांव के लोग भीड़ में दवा मिलती है तो भीड़ लग जाती है, पूरे गांव के लोग कोई बोतल लेकर दौड़ रहा है, कोई गिलास लेकर दौड़ रहा है, हलीमा मेरी माँ बीमार है पानी दे दो, मेरी बहन बीमार है पानी दे दो, मेरी बाप बीमार है पानी दे दो, मेरे भाई बीमार है पानी दे दो, एक लंबी लाइन लग जाती है।
आती है, हलीमा सबको पानी दे रही है, लेकिन इतनी लंबी लाइन लग गई, किसी को पानी मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। हलीमा के जहन में एक बात आती है, हलीमा सादिया अपने आंगन में एक हौस बनाती है, उस हौस में पानी रख देती है, ऐलान करती है, हे मेरे गाँव के लोगों, इस हौस से पानी ले जाओ, उठाए अगर कोई बीमार मरता था, शिफा याब हो जाता था, उस हौस के पानी को लोग अपने घर में छीट रहे हैं, पूरा घर खुशबूदार हो जा रहा है, उस हौस के पानी को लोग खेत में छीट रहे हैं, खेती में हरियाली आ जा रही है, नौजवान गांव के चंद नौजवान आ गए, कहने लगे हाउस में कौन सी दवा का या केमिकल मिलाई हो जो जिस मकसद से ले जाता है मकसद में कामयाबी मिलती है। हलीमा ने कहा, मैंने कोई दवा या केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हाउस में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर में धोखा मिला दिया है। फरमाते हैं जिसके तलबिया का धुआं नहीं आबे हया, जिसके तलबे का धुआं नहीं आबे हया, जिसके तलबे का धुआं नहीं आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा मेरे साथ कहती है सबसे आला मौला। बहुत बस पर इतनी जोर से कहना कि तुम्हारी आवाज यहाँ से निकले अजमेर पहुंच जाए, अजमेर वाले खाजा तुम्हारी आवाज को लेकर बगदाद पहुंच जाए, तुम्हारी आवाज को लेकर करबला पहुंच जाए, करबला वाले इमाम हुसैन तुम्हारी आवाज को लेकर मदीना पहुंच जाए। कहते नाना जान दीवानों की मजलिस सजी है, जोर से कहते मेरे साथ सबसे आला शीशे में चमका गौसे आजम है, एक तरफ मदीने वाले सरकार है, सरकार गौसे आजम की एक मुरीदा थी, आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी सास है ताने दे दे कर मुझको बहुत तकलीफ दे रही है, सरकार मैं आपकी मुरीदा हूँ, सरकार मेरी सास बहुत ताने दे रही है, वो कह रही है तेरा भाग तेरे भाग में लड़का नहीं है, सरकार मेरे घर में सिर्फ लड़की पैदा हो रही है, अब दुआ कर देना कि मेरा एक लड़का हो जाए ताकि सास ताने देना बंद कर दे। कौशे पाक हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, कहते हैं जाओ लड़का होगा, मुरीदा भी पक्की मुरीदा थी, सबसे पहले सास के पास आती है, कहने सुनो अब मेरे शिकम से पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा, सास ने कहा अभी उम्मीद भी नहीं है, इतने फख्र और घमंड से कह रही है, तो मुरीदा ने कहा हाँ इसलिए कि मेरे पीर ने दुआ की, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं है, मेरे पीर बड़े पीर है, मेरे पीर बड़े पीर है, वो दुआ किए हैं, अल्लाह का करम होता है उम्मीद से हो जाती है, खानदान के जो लोग कहते एक लड़का हो जाता उससे कहती तुम दुआ मत करो, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं, मेरे पीर बड़े पीर वो दुआ के लड़का ही होगा। वक्त गुजरता गया, 9 महीने के बाद विलादत की तारीख आ जाती है, सास भी मौजूद है और खवातीन है, विलादत का वक्त होता है, जब विलादत होती है लड़का पैदा नहीं होता है लड़की पैदा होती है, सास ने सबसे पहले कहा तूने कहा था मेरे पीर बड़े पीर हैं, दुआ की लड़का होगा लड़की हुई है, मुरीदा भी पक्की थी, पाक साफ होती है पहुंच गई खान का गौसे पाक की बारगाह में, सरकार आप दुआ किए हैं, आप पीरों के पीर हैं मीरों के मीर हैं, सरकार आप दुआ किए हैं देखिए लड़की हुई है, वली जो बोल देता हो जाता है, हैदराबाद में एक वली थे, बहुत बड़े वली थे हैदराबाद में, इंतकाल कर गए मंगल को, वली जो बोल देता वो हो जाया करता है, वली जो बोल दे वो हो जाए, सुनिए गौसे पाक फरमाए ले जा लड़का है ये लड़का है, लड़की लड़का नहीं लड़का है लड़का हो गया, सुनिए वली जो बोल दे वो हो जाता है। हैदराबाद में एक वली है मंगल को इंतकाल कर गए, बड़ा मजमा था बहुत बड़ा मजमा, जब लोग जा रहे थे एक हिंदू देखा इतने बड़े पीर साहब मंगल अशुद्दीन में इंतकाल कर गए, पीर साहब उठ के बैठ जाते हैं, चलो अशुद्दीन है मंगल नहीं भूत को मरूंगा, जोर से कह दो वो हो जाया करता है, वली की जबान में अल्लाह जबान वली की होती है, बोलता खुदा है वली की होती है, देखता खुदा है करता खुदा है, एक मरतबा एक हाथ मदीने वाले के नाम पर, दूसरा हाथ गौसे
नाम पर पूरा मजमा हम ता के कह दो सुभान अल्लाह अल्लामा जमीउद्दीन जमजम आएंगे तो आपको बताएंगे। हम चश्मा नहीं पहने तो ये मत सोचिए कि हम आपको नहीं देख रहे, एक दो आदमी हाथ नहीं उठाया है। सोचो आपको रसूल पाक का वास्ता दिया गया है जिस नबी ने हमारी खातिर कर्बो बला में पूरा खानदान लुटा दिया, आप उस नबी के नाम पे हाथ नहीं उठा सकते। पूरा मजमा पूरी ताकत के साथ हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, आप उसे कह दो या रसूल अल्लाह, और वापस कह दो या रसूल अल्लाह। इनका बच्चा है, पूछिएगा सबसे पहले चला कैसे, मौलाना साहब गोद में था जब वो चलना शुरू किया ना, दोनों घुटनों के बल हाथों के बल। हम लोग अपनी जबान में कहते मेरा बच्चा माऊ बन के चलने लगा, ठीक इसी तरह बच्चा चलता है, बच्चा चलता है माओ बन के, दोनों घुटनों के बल हाथों के बल। हलीमा सादिया बयान करती है मैं एक मर्तबा नबी को दूध पिलाई, मैं एक मर्तबा नबी को दूध पिलाई, जमीन पर बिस्तर बिछा दी, नबी शिकम सैर हो गए, जमीन पर बिस्तर बिछाई सो गए, नबी सो गए। हलीमा सादिया की सहेलियां आ गई, हलीमा बात करने लगी, गौर से सुनिए ईमान में ताजगी पैदा कीजिए, हलीमा बात करने लगी, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है। मैं सोच रहा हूँ चार मिसरे बड़ा गरम गरम मिसरे, अभी मखदूम पाक का नाम आया ना तो चार मिसरे अगर अशरफी हो तो मचल जाओ। सुनो कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पर अंदर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। मचल जाओगे, सुनो अशरफियों सुनो।